नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने अपने राशन कार्ड से अनाज लेते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अब राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का नियम बनाया गया है। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो ये आप पर ही भारी पड़ सकता है और आपसे भी वसूली हो सकती है। इतना ही नहीं, मामला इतना ज्यादा गंभीर हो सकता है कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का काम शुरू किया था। सरकार की तरफ से शुरू की गई इस व्यवस्था में जहां गरीब परिवारों को काफी राहत मिली थी, वहीं कोरोना के बाद भी केंद्र सरकार ने इन नियमों को लागू किया हुआ है। यानी कि कोरोना के सामान्य होने के बाद भी अभी भी केंद्र सरकार निम्न तबके के लोगों को राशन मुहैया करवाने का काम कर रही है। ऐसे में कई शिकायतें भी अब सामने आने लगी है, क्योंकि सरकार की मुफ्त की कोई योजना हो और उसमें सेंध ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि अब योजना के पात्र कई कार्ड धारक की ऐसी जानकारी भी सामने आई है जो इसके योग्य नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुफ्त में राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं योजना के पात्र कई कार्ड धारक को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब अधिकारियों के माध्यम से अपात्र लोगों से तुरंत ही राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पात्र नहीं है लेकिन राशन का उठाव कर रहा है, ऐसे में उसे तुरंत ही सरेंडर करने की मांग की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और नियमों की अनदेखी करते पकड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई तय है। इतना ही नहीं, अब ये भी तय है कि इनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इतना ही नहीं, जब से आप राशन ले रहे हैं तब से राशन की वसूली भी की जाएगी। अब सवाल ये है कि कौन इस कार्ड के पात्र है और कौन अपात्र है, तो हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ऐसे परिवार जिनके पास मोटर कार, ट्रैकर, एसी हार्वेस्टर, 5 KV या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या मकान, 5 एकड़ से अधिक जमीन, 1 से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं। ऐसे में अब कई राज्य पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में ही अब सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि अपात्र लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दे, इससे गरीब परिवारों का कार्ड बनाया जा सकेगा। राशन कार्ड सरेंडर नहीं करने पर अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियम के अनुसार यदि किसी के पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या मकान, 4 पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है, तो ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड तहसील और DSSO कार्यालय में सरेंडर करना होगा। इसके बाद उम्मीद है कि अब राशन कार्ड का अनुपयोग करने वाले लोग संभलेंगे और अपना राशन कार्ड सरेंडर करेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।